हेलो गाइस, मैं अनुराग झा, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम लोग इंग्लिश के 50 मार्क्स वाले सब्जेक्ट से आवर ऑन सिविलाइजेशन, जो कि आपके गद्यखंड का है, प्रोज पार्ट का एक चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर, इसके बारे में, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसी में मैंने जो है आपका दूसरा चैप्टर भी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें क्वेश्चंस कुछ कम है, तो दो चैप्टर एक साथ ही हम लोगों ने मैनेज कर लिया, ठीक है। तो चलिए, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए। मैन मैन इज़ द मोस्ट डेस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेस्टलेस एंड एनर्जेटिक जो है क्रिएचर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम, तो लॉ ऑफ प्रोटेक्ट किसका था, तो यहाँ पे देखिए रॉबरी एंड वायलेंस जो है ये हो जाएगा आंसर सही आपका। नेक्स्ट देखिए, विदाउट विच अकॉर्डिंग टू द टू राइटर सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो विदाउट विच अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है, किसके बिना, राइटर के अनुसार जो किसके बिना सिविलाइजेशन जो है इम्पॉसिबल था, तो यहाँ पे ऑर्डर एंड सेफ्टी के बिना जो है सिविलाइजेशन इम्पॉसिबल है, जो कि सही भी बात है। नेक्स्ट देखिए, टू बी हेल्दी इज़ नॉट टू बी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, सिविलाइज, ठीक है, सिविलाइज, अगर हेल्दी बनना है तो सिविलाइज बने बिना आप नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैज़ ए चेंज ऑफ बिकमिंग, तो यहाँ पे आपका ए यूनिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माफ़ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द राइटर द वर्ल्ड हैज़ फॉलन अपार्ट इंटू इंटू टू ग्रेट पावर ब्लॉक कॉल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर द वर्ल्ड हैज़ फॉलन अपार्ट इंटू द ग्रेट पावर ब्लॉक इज कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द ईस्टर्न ब्लॉक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ए डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज डज नॉट नो व्हाट टू डू इट, तो नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवर ऑन सिविलाइजेशन इज पेंड बाय सी ई एम जॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, द पावर पावर विच ऑफ मैकेनिक हैव गिव अस इज नॉट अ सिविलाइजेशन बट डस्ट टू बी सिविलाइजेशन एड, ठीक है, एड एड, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बींग सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड मीन्स मेकिंग ऑफ मेकिंग एंड लाइकिंग, तो ब्यूटीफुल थिंग्स आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करो, ठीक है, क्योंकि अपने लिए वही मोटिवेशन होती है। चलिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विद द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के साथ क्या क्या घटना हुई इस कहानी में, ठीक है, वही, अरे वही वाला जिसमें नाक बढ़ा देता है, कान गायब कर देता है ना, कान टेढ़ा कर देता है, इस तरह का जो है कहानी इसके साथ घट जाता है। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। आपका पहला क्वेश्चन है, हु रोट विद द फोटोग्राफर्स, तो आपका जो है यहाँ पे सही आंसर स्टीफन लियो कॉक, ठीक है, ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो स्टीफन लियो कॉक। आपके जो है ये जो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चैप्टर का नाम और उस चैप्टर को किसने लिखा, ये चीज़ आपको निश्चित तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप 50 मार्क्स वाले हों या 100 मार्क्स वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चैप्टर और उसके राइटर का नाम तो पता होना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ डिड द अनदर ऑथर डू वाइल वेटिंग, व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल वेटिंग, तो आपका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीड मैगजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर हाउ मच टाइम डिड द ऑथर वेट, तो ऑथर वेट क्या हो जाएगा, फॉर एन आर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोटोग्राफर लॉक्ड एट द ऑथर, तो क्या हो जाएगा आपका, विदाउट एंथुसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द फोटोग्राफर सेज आफ्टर सीइंग द फेस इज क्वाइट, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग, अरे वही नाक कान बढ़ा दिया था ना, वही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक अबाउट हिज ऑन फेस, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ब्यूटीफुल। मुझे कहानी याद आ रही है तो मेरी हंसी निकल रही है।
लिनक्स है आपका। द फोटोग्राफर वॉज सीमिंग, तो फोटोग्राफर वॉज सीमिंग ग्रैब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफर द मंथ द माउथ ऑफ द ऑथर वॉज टू लो। ठीक है, बहुत नीचे गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द ऑथर थिंक एट लास्ट आफ्टर सीइंग द फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफर देखने के बाद जो है लास्ट में क्या सोच रहे थे, तो वो जो है आपका वर्थलेस ट्रिफल। ठीक है, वर्थलेस ट्रिफल। देखिए अब जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू इन द लास्ट। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया था, बर्स्ट इनटू टीयर्स। देखिए अब आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर आस्क ऑफ फोटोग्राफर आफ्टर सीइंग द फोटो, इस मी इज इट मी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लास्ट आंसर हो जाएगा, ही वॉज सरप्राइज बिकॉज फोटोग्राफ इज़ नॉट नॉर्मल। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए। ठीक है, उसमें भी आपको कोशिश करेंगे कि दो चैप्टर एक ही साथ प्रोवाइड करवा दूँ। तो थैंक यू तब तक के लिए, और इसके बाद जो है और लास्ट में तो मेरे चैनल के साथ जरूर ही जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में जो है मैं पूरे बुक के जो इम्पोर्टेंट केस क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो तब तक बने रहिए। थैंक यू।